कितने फंक्शन हैं? 1 2 भाई, सेट ए से सेट बी में ऑन टू फंक्शंस कितने हैं? एनीवन? देखो, सेट ए से सेट बी में जो ऑन टू फंक्शंस की बात हो रही है, तो ऑन टू फंक्शन का मतलब ये है कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, है ना? तो सेट बी में अगर कोई एलिमेंट खाली नहीं है, उस सूरत में सेट ए के किसी एक एलिमेंट के 2 इमेजेस होने पड़ेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये बात सोचो ना, सेट ए के किसी एलिमेंट के 2 इमेजेस होंगे ऐसे, तभी तो जाके सारे एलिमेंट्स कवर होंगे। क्या ये पॉसिबल है कि सेट ए के? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि कितने होंगे भाई? 1 2 0। आंसर इज 0। ओके, अब आते हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस पे। तो इनटू कितने होंगे? जब 1 2 0 है तो सारे क्या हो जाएंगे? इनटू। और बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे? 0। जब 1 2 फंक्शन एक भी है ही नहीं, तो एक भी नहीं है 1 2 फंक्शन, तो 1 1 1 2 नहीं होगा। बाइजेक्टिव किसे कहते हैं? जो 1 1 1 2 होता है। अब आते हैं परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स पे। नेक्स्ट टॉपिक इज परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। इस बात को समझना आप लोग कि पीएनसी के अंदर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि चीजें कब अलाइक हैं, कब डिफरेंट है, ये नहीं समझ में आता है आप लोगों को। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, अभी तक जितनी भी चीजें हमने करी हैं इस चैप्टर के अंदर, यहाँ पे चीजें डिफरेंट थी या अलाइक थी? अभी तक जो भी हमने किया है इसमें चीजें डिफरेंट थी। जैसे 5 व्हाइट बॉल्स हैं, आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं, इनको 5 डिफरेंट बॉक्सेस में डालना है, 1 1 करके, हर एक में एक एक। कितने तरीके से होगा भाई? एक ही तरीका है। लेकिन अगर 5 चूहे हैं, है ना, और उनको 5 डिफरेंट बॉक्सेस में डालना है, तो कितने तरीके से होगा? 5 फैक्टोरियल। तो डिफरेंट और अलाइक का डिफरेंस क्या है, ये आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए इस एग्जाम्पल से। क्योंकि गॉड मेड थिंग्स बाय डिफॉल्ट क्या होती है? भगवान की बनाई हुई चीजें बाय डिफॉल्ट क्या होती है भाई? तो क्या होती है बाय डिफॉल्ट? डिफरेंट। ये कौन है अलाइक? कौन बोल रहा है? कौन है अलाइक वाला? ये हिमांशु पीछे मार रहा है, बोला लिविंग होती है। ऐसा कुछ नहीं, कोरोना वायरस के जमाने में बात ट्रू नहीं है। कौन अभी अलाइव है, कौन अगले पल जो है डेड हो जाएगा पता नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हो रही है। तो हिमांशु ने पीछे मारा है कि गॉड की बनाई हुई चीजें लिविंग होती है। तो आते हैं केस, 2 केसेस इसमें, ठीक है भाई। ओवरऑल इस चैप्टर में 4 वेरिएशंस थे, मैंने आपको पहले भी बताया है। एक तो क्या है कि चीजें अलाइक होती हैं, डिफरेंट होती हैं, एक ही वेरिएशन ये हो गया। फिर और वेरिएशन बताया था, टेकन ऑल एट ए टाइम। और दूसरा वेरिएशन क्या है? टेकन सम एट ए टाइम। मैं क्या कह रहा हूँ उसका थोड़ा आइडिया आपको लगेगा इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन इसलिए इस समय बहुत रेलिवेंट है क्योंकि ये जो चीज मैं लिखने जा रहा हूँ अभी, ये आजकल टीवी पे भी चल रहा है बहुत और घर में भी बहुत चल रहा है, ठीक है। वो ये है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed from letters। कोरोना की वजह से जो है ये आजकल घरों में बहुत चल रहा है। कैन बी फॉर्म फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड महाभारत। तो आजकल जो है, और मुरादाबाद जैसी जगह के लिए तो ये और रेलिवेंट है क्योंकि इधर पे तो जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले, इन्हीं के खिलाफ महाभारत छेड़ रखा है मुरादाबाद की पब्लिक ने। और बहुत जल्दी जो है कोरोना वायरस की सेंचुरी होने वाली है। कल 94 नॉट आउट पे चल रहा है मुरादाबाद। मोर देन वन, अभिमन्यु चौहान ने कहना है कि आंसर इज मोर देन वन।
देखो आंसर तो एक ही आएगा भैया, ये मोर देन वन का क्या चक्कर है, चार ए है इसमें और दो एच है। तो मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया कि मैं चाह रहा था कि आप खुद इस चीज को विजुलाइज करें कि इसमें करना क्या है। देखो टोटल आपके पास जो वर्ड लेटर्स हैं वो 10 है, तो जब आप 10 फैक्टोरियल से इन सबको अरेंज कर रहे हो तो होगा क्या कि 10 फैक्टोरियल से अरेंज करने का मतलब कि सबको आपने फ्रीली इजाजत दी है एक दूसरे को शफल करने की, मतलब एम उठ के टी की जगह चला जाए ये सब अलाउड है। लेकिन सोचो ये जो चार ए हैं ये आपस में एक दूसरे की जगह इंटरचेंज हो जाएंगे तो क्या कोई नया वर्ड बनेगा? ये चार ए आपस में एक दूसरे की जगह लेते रहेंगे तो वर्ड तो वही बनेगा। तो इन चारों का आपस में जो अरेंजमेंट था वो तो आपने एक्स्ट्रा लिया ना, और ये जो तो दो एच हैं यहाँ पे, जो दो एच हैं इनका भी जो आपस में अरेंजमेंट था वो भी नल एंड वॉइड है क्योंकि दोनों हैं क्या एच, इसलिए हम 10 फैक्टोरियल डिवाइड कर रहे हैं 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से। नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ ऐसे वर्ड्स जो हैं वो एक्स थे, उसमें चार ए जो हैं उनको अगर हमने अपनी जगह से आपस में अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल से, दो एच आपस में अरेंज कर दिया, ठीक है, तो ये इक्वल होगा 10 फैक्टोरियल के क्योंकि चार ए का आपस में अरेंजमेंट नहीं होगा, दो एच का आपस में अरेंजमेंट नहीं होगा, वो वही वर्ड देगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो सिंस। नेक्स्ट, यहां से हम ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं। पहले क्वेश्चन किया हमें आइडिया लग गया, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि इस चैप्टर में मैंने आपको डे वन से बोला है कि कोशिश करना है लॉजिक पकड़ने का, फॉर्मूला नहीं, क्योंकि पीएनसी जो है और इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो लॉजिक, फॉर्मूला कहीं भी नहीं है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स में हमने क्या किया है, पी चीजें हैं एक टाइप की, जैसे यहाँ पे चार ए थे एक टाइप के, चार ए ही तो थे, चार लेटर्स एक टाइप के थे, पी ऑफ वन काइंड, क्यू ऑफ अनदर काइंड एंड आर ऑफ थर्ड काइंड, ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, is given by n factorial divided by p factorial q factorial r factorial, क्यों, क्योंकि p चीजें एक जैसी हैं तो आपस में उनका अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, वो वही चीज आएगी, q एक जैसी है और r भी एक जैसी है तो आपस में उनका अरेंजमेंट हो रहा था उससे हमने डिवाइड कर दिया। ओके क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये जो एग्जांपल्स मैं लेने जा रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं दे आर एग्जांपल्स ऑन ऑल एट ए टाइम। क्वेश्चन नंबर टू, ये वन जो था वो भी ऑल एट ए टाइम था। देखो ऑल एट टाइम और सम एट ए टाइम में डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, मान लो ये महाभारत में से 10 के 10 लेटर लेने के बजाय मैं तुमसे कहता कि इन 10 में से मुझे 4 ही लेटर लेने हैं, तो 4 लेटर की जब बात आती तो हो जाता भयंकर कंफ्यूजन, क्यों, 4 लेटर अगर 4 के जगह तुमने एच लिए तो एक ही वर्ड बनेगा, 4 एच लेके तो एक ही वर्ड बनेगा ना, एच 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 एच, और अगर इसमें 2 एच लेते और 2 ए लेते उससे अलग नंबर ऑफ वर्ड्स बनेगा, लेट से 3 एच लेते और एक और कोई डिफरेंट लेटर लेते तो अलग बनता, तो इसमें तुम्हें केसेस लेने पड़ेंगे। सम एट ए टाइम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि दिमाग सुनने से क्या आएगा, अरे सम एट ए टाइम में तो कुछ ही लेना है ना तो ये तो इजिली हो जाएगा, और ऑल एट ए टाइम में ज्यादा लेना है तो डिफिकल्ट होगा, ऐसा लगेगा लोगों को, लेकिन है उल्टा केस। तो एग्जाम्पल्स ऑन ऑल एट ए टाइम में लिखेंगे क्वेश्चन 21 white and 19 black balls are arranged in a line, bracket में लिख रहा हूँ balls of the
सेम कलर आर अलाइक। फाइंड दी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड। ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड का मतलब यह है कि ब्लैक बॉल कोई भी दो एक साथ नहीं होगा। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये एग्जाम में काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप पहले से अगर यूज टू नहीं है तो। हिमांशु ये इतनी तेजी से स्पीड देने से कोई फायदा नहीं है, मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुमने पहले से कर रखा है, आंसर लिख के सीधे बोल दे रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। आप नोट्स लेके बैठे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। आप बिल्कुल फ्रेश करिए सारी चीजों को नोट, तभी बेनिफिट होगा, क्योंकि एक तरीके से काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए रिविजन क्लास है, तो आप नोट्स लेके मत बैठिए, आप साथ में इसको फ्रेश करिए क्वेश्चन को, दोबारा नोट्स भी दोबारा बनाइए। आप सोचो जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मैंने अभी तक कितनी बार पढ़ाया होगा, गेस करो। कम से कम मैं अभी 500-600 बार पढ़ा चुका हूँ मिनिमम, में बताऊंगा। फिर भी मैं जब अगली बार पढ़ाता हूँ तो उसमें मुझे कुछ नया मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो 500-600 बार तो अब पढ़ा रहा हूँ। 2002 में मैंने जो है जेई का एग्जाम दिया था, उस समय भी पढ़ा था। ऑलमोस्ट अब 20 साल होने वाले हैं। मेरा जो रिश्ता है नाता है जेई के मैथमेटिक्स से, उसको अब 20 साल होने वाले हैं। तो ऐसा मत करिए, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना नया मिलेगा, यही इस सब्जेक्ट की खासियत है। देखिए भाई 21 वाइट बॉल्स हैं, 19 ब्लैक बॉल्स हैं। कह रहा है ब्लैक बॉल्स जो है उनको सेपरेट रखना है, कोई भी दो ब्लैक बॉल्स कंसेक्यूटिव नहीं होंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नॉट कंसेक्यूटिव, और ये चीज आपको तुरंत याद आनी चाहिए कि जब कंसेक्यूटिव नहीं है तो कैसे करना है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। बॉयज गर्ल्स वाली प्रॉब्लम मैंने कराई थी आपको, तो जब कंसेक्यूटिव नहीं है तो कहाँ जाएगा, गैप्स में, गैप्स में ऐसा करके आप लिख सकते हो। यू जस्ट राइट लाइक दिस कि जब कंसेक्यूटिव नहीं है चीजें तो कहाँ जाएंगी, गैप्स में। तो किसके गैप्स में, वाइट के गैप में। गैप्स में किसके, बाकी जो है वाइट बॉल के गैप में, वाइट के गैप में। तो वाइट कितने भाई, 19 वाइट, वाइट वाइट और 19 वाइट बॉल्स आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे भाई, एनीवन कैन एनीवन टेल मी कि 19 वाइट बॉल्स आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, 19 फैक्टोरियल से अरेंज कर दें, बोलो। एक तरीके से, क्योंकि तो सब अलाइक हैं, 19 वाइट बॉल्स एक तरीके से अरेंज होंगे। अब इनके गैप्स कितने हो गए भाई, गैप्स जब भी लीनियर अरेंजमेंट होता है तो एक ज्यादा होता है, सॉरी 19 नहीं है वाइट है 21, तो 22 गैप्स हैं, 22 गैप्स में से हमें 19 सेलेक्ट करने हैं। तो दिस इज द आंसर, जहां पे ब्लैक बॉल्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिर जिनको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे होंगे उनको टेंशन नहीं लेनी है ना, ये प्रैक्टिस करते करते सब होने लगेगा आपसे, यकीन रखिए, भरोसा रखिए। जैसे आप लोगों ने भरोसा रखा हुआ है कि एक ना एक दिन लॉकडाउन खुलेगा, वैसे ही ये भी भरोसा रखिए कि एक ना एक दिन आपसे पीएनसी के सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे, 100% कॉन्फिडेंस है। कंसिडर द वर्ड एसेसिनेशन, कंसिडर द वर्ड एसेसिनेशन। अब क्या करना है आपको, आपको सारे लेटर्स का यूज करते हुए वर्ड बनाना है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स,
यूजिंग ऑल लेटर्स सच दैट फर्स्ट पार्ट नो टू वॉवेल्स आर कंसेक्यूटिव नो टू वॉवेल्स आर कंसेक्यूटिव कोई भी दो वॉवेल्स कंसेक्यूटिव नहीं है. ऐसे सेपरेटेड सेकेंड पार्ट पहला पार्ट आप लोग करिए फिर मैं बाकी पार्ट जो है लिख रहा हूँ. जस्ट राइट डाउन वन पार्ट एंड सॉल्व इट देन ओनली राइट द अदर पार्ट्स. ओके तो काफी सारे लोगों का जो है आंसर आ गया है. सिद्धार्थ गोयल शाहनवाज इन लोगों ने आंसर लिखा है. चेक करते हैं. कोई भी दो वॉवल्स कंसेक्यूटिव नहीं है तो अभी जस्ट ऊपर उन्होंने किया है कंसेक्यूटिव नहीं होती हैं चीजें तो कहाँ जाती हैं गैप्स में. तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं तब तक आप लोग जो है बाकी पार्ट भी करते रहिए. ठीक है इस पार्ट को मैं इधर ले लेता हूँ बाकी पार्ट लिखे हुए हैं. ओके नो टू वॉवेल्स आर कंसेक्यूटिव नो टू वॉवेल्स आर कंसेक्यूटिव तो वॉवेल्स कितने में एसोसिएशन में वॉवेल्स हैं 3A और आई कितने में 2 और ओ कितना है 1 सही है ना भाई इतना ही है ना और तो कोई वॉवेल नहीं है 6 है वॉवेल्स टोटल. तो बचे हुए टोटल हमारे पास लेटर्स कितने हैं 3, 3, 6, 3, 9, 12, 13 तो बचे हुए 7 रेस्ट मैं लिख रहा हूँ मतलब रेस्ट का मतलब कॉन्सोनेंट्स रेस्ट की बजाय मैं बेटर इसी वर्ड को यूज करता हूँ कॉन्सोनेंट्स अपने पास कितने हैं 7 टोटल 13 थे है ना. तो कहाँ जाएंगे ये गैप्स में कॉन्सोनेंट्स के गैप्स कितने हो गए भाई 8 हमें कितने गैप सेलेक्ट करने हैं गैप्स हमें कितने सेलेक्ट करने हैं भाई 6 तो 8C6 से हमने 6 गैप सेलेक्ट कर लिए किसके लिए वॉवेल्स के लिए. तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इससे हमने किसको अरेंज कर दिया वॉवेल्स को. कॉन्सोनेंट्स की बात करें कॉन्सोनेंट जो 7 है उसका ब्रेकअप हमें देखना पड़ेगा. कॉन्सोनेंट्स में क्या है 4 तो S है भाई और बताओ 2 N है और 1 T है सही है भाई चेक करो 4 S 2 N और 1 T तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. अब चेक करते हैं कितने लोगों का आंसर आया था 8C6 × 6 फैक्टोरियल ओके अभय भारद्वाज का भी आंसर है शाहनवाज का भी आंसर है सिद्धार्थ गोयल का भी आंसर ओके. तो ये क्वेश्चन है 3 का सेकंड पार्ट.
क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट कंसीडर करते हैं। एसेज आर सेपरेटेड, नो टू एसेज अकर टुगेदर। ये आपको कंफर्टेबल करने के लिए दोनों चीजें दे दी गई हैं। एग्जाम में दोनों में से एक ही लैंग्वेज यूज होगा। एसेज सेपरेटेड है, एसेस सेपरेटेड है, उसके इसमें एसेस कहाँ जाएं गैप्स में, तो एसेस तो ये रहे चार, इन चार को छोड़ के बचे हुए कितने नाइन है, तो रेस्ट कितने में भी नाइन, उनके गैप्स में जाएंगे एस, तो नाइन के गैप्स कितने हो गए भाई टेन, टेन में सेलेक्ट कितने करने हैं हमें चार, इन चार एस के लिए चार एस आपस में अरेंज कितने तरीके से होंगे एक, बचे हुए जो है उनमें क्या है, बचे हुए नाइन में तीन ए है तो थ्री फैक्टोरियल, दो एन है तो टू फैक्टोरियल, दो आई है तो टू फैक्टोरियल, है ना, बाकी सब तो एक एक है। चेक करो भाई, टेन सी फोर इंटू नाइन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, ओके मैक्सिमम लोगों का आंसर ये आ रहा है, बस एक इंटू अभय भारद्वाज ने बाई फोर फैक्टोरियल क्यों किया भाई, वो चेक करो। हिमांशु कहना है एक्सक्लूजन से नहीं कर सकते, एक्सक्लूजन का कोई मतलब नहीं है इसमें, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, जब चीजें कंसेक्यूटिव नहीं होती हैं तो गैप्स में जाएंगी, आपको बता दिया है, डायरेक्ट यूज करिए, आपका जो न्यूरल नेटवर्क है और न्यूरल जो पाथवे है वो बिल्कुल क्लियर बना हुआ होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए ऐसे करना है, इसलिए हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम में आप फ्रेश ये सोच के करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको बताया जब भी कंसेक्यूटिव नहीं आ रहा है तो बॉयज गर्ल्स वाली प्रॉब्लम को मैं रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें स्पीड बहुत मैटर करेगा, और अभी जो ये लॉकडाउन का टाइम है मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग से, इसको आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं, आप रेगुलरली देख रहे हैं अखबारों में और टीवी में सब जगह आ रहा है कि कोटा के बच्चों के साथ या जो बच्चे बाहर फंस गए थे उनके साथ क्या हो रहा है, एक दो की बात नहीं हजारों बच्चे हैं जो अभी इस समय लॉकडाउन में कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इसी तरीके स्ट्रेस में हैं, जबकि हकीकत ये इस समय जो लोग बिल्कुल पेशेंस रख के और फोकस्ड रख के अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे वो इस रेस में आगे निकल जाएंगे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जिन बच्चों के साथ जो हो रहा है जहाँ भी हैं, लेकिन आप लोग अपने घर पे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं और आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही है, इसका एडवांटेज उठाइएगा तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे बाकी से, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो हैं वो घर पे एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में सोच रहे हैं कि यार अब तो बहुत टाइम है, वही वाला क्लास टेन तक जो किया है स्कूल में, यार जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती है तब पढ़ना शुरू करते हैं, वही वाले मूड में काफी लोग, अभी भी आप देख भी तो रहे हो आपके बैच में काफी सारे जो बच्चे हैं वो अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास, वो आएंगे लास्ट में कि सर पीएमसी करा दीजिए, जब जेई मेन का डेट अनाउंस हो जाएगा ना तब। चलो भाई थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स का ऑर्डर चेंज नहीं होना, इसका मतलब ये है कि वॉवेल्स जिस ऑर्डर में ओरिजिनल वर्ड में आ रहे थे एसोसिनेशन में, वॉवेल्स का ऑर्डर क्या था एसोसिनेशन में, देखो भाई सबसे पहले क्या आ रहा था ए, फिर आ रहा था ए, फिर आ रहा था आई, फिर आ रहा था ए, चेक करो, फिर आ रहा था ए, फिर आई, फिर ओ, वॉवेल्स का ऑर्डर यही रहेगा जो भी वर्ड आप बना रहे हो, इज दैट क्लियर और नॉट, वॉवेल्स का ऑर्डर यही रहेगा, तो बैच कोऑर्डिनेटर्स हैं जरा ध्यान दें, कुछ बच्चे आ रहे हैं बीच बीच में नेटवर्क की वजह से लॉग आउट हो जा रहे हैं तो उन्हें एडमिट कर लीजिए। सर उनका रोल नंबर नहीं लिखा हुआ सर। नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे, आप थोड़ा अपना काम मुस्तैदी से करिए। ओके, तो
ये जो मैं बता रहा था आपको ए ए आई ए ए ए आई ए ए आई ओ, ये मैं कोई तुषार कपूर की नकल नहीं कर रहा था, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वॉवेल्स जब आएंगे इस वर्ड में तो इसी ऑर्डर में आएंगे, ए ए आई ए ए आई ओ। तो वॉवेल्स जहां कहीं भी उनका ऑर्डर यही होगा, तो उनकी ऑर्डरिंग आपको नहीं करनी है बल्कि उनके लिए सिर्फ पोजीशन सेलेक्ट करना है। पोजीशन सेलेक्ट करना है कितने में, 13 में, 13C7 A3 में जो ऑर्डर था वर्ड वॉवेल्स का वो A A कहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ है यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ है तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा हो गया था ना, तो 13C6 से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, छह प्लेसेस जहां पे कौन जाएंगे, वॉवेल्स, और बचे हुए क्या भाई, कॉन्सोनेंट्स, 7 factorial divided by 4 factorial 2 factorial, चेक करो भाई आंसर आ रहा है कि नहीं। बोलो भाई ये आंसर आया नहीं आया, ओके आ गया है। तो कुछ लोग हैं जो अल्टरनेट तरीके से कर रहे थे, तो अल्टरनेट तरीके से कर रहे हैं अगर, तो मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ तरीका क्या है। तरीका ये है कि जो टोटल अरेंजमेंट था 13 factorial divided by 4 factorial 3 factorial 2 factorial 2 factorial सारे वर्ड्स का, उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने तरीके से ये वॉवेल्स अरेंज हो सकते थे, 6 factorial by 3 factorial 2 factorial। क्यों हमने ऐसा यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि वॉवेल्स आपस में अरेंज नहीं हो रहे हैं, वॉवेल्स को आपस में अरेंज आप नहीं कर सकते हैं, वॉवेल्स का अरेंजमेंट फिक्स होगा, इसलिए आप जितने तरीके से वॉवेल अरेंज हो सकते हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, एटलीस्ट वन एस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एसेस, फोर्थ पार्ट एटलीस्ट वन एस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एसेस, इसमें क्या होगा भाई, टोटल माइनस, एटलीस्ट वन की जब बात आती है तो टोटल माइनस, क्योंकि एक एस सेपरेटेड है, दो एस से सेपरेटेड है, तीन एस सेपरेटेड है, इतने सारे केसेस कंसिडर करने के बजाय हमें क्या करना है, हम तो कोशिश ये करेंगे कि टोटल में से हम माइनस कर लें, टोटल माइनस टुगेदर, तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि हम एटलीस्ट वन सुनते ही किस चीज पे आ जाएंगे, एटलीस्ट वन सुनते ही हम आ जाएंगे टोटल माइनस टुगेदर पे, उल्टा टोटल माइनस ऑल टुगेदर है ना, तो टोटल क्या है, 13 factorial upon 4 factorial 3 factorial 2 factorial 2 factorial माइनस, अगर ये टुगेदर है चारों एस तो इनका बंडल बना लेते हैं ना, ये रहा यहाँ पे बना हुआ ऑलरेडी, तो 4s का हमने बंडल बना लिया, ये देखो भाई 4s का हमने बंडल बना लिया, बचे हुए 3a 2i 2n, सो s को छोड़ के 9 थे और a के बंडल 10, सो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने किया था तो रेस्ट 9 थे, तो s का एक बंडल और बचे हुए 9, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 factorial 2 factorial 2 factorial ना,
करेक्ट। ओके नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसको हम आगे कई बार रेफर भी करेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड Honolulu। So Honolulu एक फेमस जगह है तो ये क्वेश्चन भी उतना ही फेमस है बच्चों में। उसकी वजह यह है कि इसमें एक कंडीशन लगा दिया गया है, वो कंडीशन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जिसके वजह से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, मतलब दो ओ एक साथ नहीं होंगे, दो एल एक साथ नहीं होंगे, दो यू एक साथ नहीं होंगे। दो ओ एक साथ नहीं होंगे, दो एल एक साथ नहीं होंगे, दो यू एक साथ नहीं होंगे, ये कंडीशन है। देखो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस तरीके से मैटर बन रहा है। क्यों इस तरीके से बन रहा है? जब दो ओ वाला मैटर ले रहे हो आप, दो एल वाला, दो यू वाला, तो आप समझो कि ये जो सेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन वर्ड्स को जिसमें दो ओ एक साथ है। अगर तुम उनको काउंट करोगे तो उसमें ऐसे वर्ड्स का भी इंटरसेक्शन आ जाएगा जिसमें दो एल एक साथ है। ये जो बीच का रीजन है जिसको भी मैं शेड कर रहा हूँ, ये रीजन आप देखिए, इसमें दो ओ और दो एल एक साथ है, दो ओ और दो एल एक साथ है। तो जब आप टोटल में से वो वर्ड्स माइनस करने चलोगे जिसमें दो ओ एक साथ हैं, तो काफी सारा इंटरसेक्शन का मैटर आएगा, है ना? क्योंकि बीच में जो एक रीजन है ये वाला जिसको मैं कंप्लीटली डार्क कर रहा हूँ या मैं किसी और कलर को यूज करता हूँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लेट्स से मैंने ये येलो एरिया जो यहाँ पे रखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे दो ओ, दो एल और दो यू एक साथ है। तो जब आप टोटल में से माइनस करने जा रहे थे ना, जब दो अलाइक लेटर्स एक साथ हैं, ये तो करने जा रहे थे, ये तो अप्रोच था आपका, तो टोटल क्या होगा भाई? कितने हैं टोटल? एट है ना, एट लेटर्स हैं, तो एट फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, इसमें से आप माइनस करने जा रहे हैं जब दो अलाइक लेटर्स टुगेदर हैं। लेट से दो ओ एक साथ हैं, दो ओ एक साथ है तो आप क्या करोगे? दो ओ का बंडल बना दोगे और एच हो गया, एच और एक एन हो गया, दो एल और दो यू आप अलग मानोगे। सो कितने हो गए भाई? सेवन हो गए ना, ये टोटल एट थे, दो का हमने बंडल बनाया था, सेवन हो गए। सेवन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, और ऐसे ही आप जब दो एल का बंडल बनाएंगे तो भी नंबर आएगा, दो यू का बंडल बनाएंगे तब भी नंबर आएगा, तो इसको थ्री इंटू कर देते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखो, जब आपने दो ओ एक साथ रखे थे वो वाला और दो एल एक साथ रखे थे वो वाला,
तो जब इन दोनों को आपने कंसिडर किया है तो ये जो बीच वाले हैं ये दो बार कंसिडर हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, जिसमें दो ओ और दो एल एक साथ है वो वाला हम फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को हम बंडल बना देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने माइनस किया यहाँ पे तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है दो ओ एक साथ है वो वाला, ठीक है, और ये बता रहा है दो एल एक साथ है वो वाला। लेकिन ऐसे भी तो वर्ड्स हैं जिसमें दो ओ और दो एल दोनों एक साथ हैं, तो ऐसे वर्ड्स कितने बार आ गए, दो बार आ गए ना, एक बार एक्स्ट्रा आ गया ना, तो उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें दो ओ और दो एल एक साथ है, जो यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया इस एरो से, वो दो बार कंसिडर हो गए हैं, जबकि कंसिडर एक बार होना था। किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी आपने सेट के लिए पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा करने की वजह क्या होती है, ऐसा करने की वजह ये है कि ए बी सी में जब एलिमेंट्स टोटल हैं उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो ये जो बीच वाला एरिया है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो दो बार ऐड हो गए, इसलिए तो हम यहाँ पे एक बार उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर एन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, फिर एन सी इंटरसेक्शन ए करते हैं, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। तो सबको याद होगा ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं जो दो सेट से प्रेजेंट हैं ये दो बार ऐड हो गए, जबकि एक ही बार ऐड होना था, तो एक बार जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ था उसे हमने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, और ये जो बिल्कुल बीचों बीच का रीजन है उसको मैं येलो से कर दे रहा हूँ, ये जो बिल्कुल बीचों बीच का रीजन है, ये बिल्कुल जो बीचों बीच का इलाका है ये वाला, ये क्या हुआ, ये तीनों में प्रेजेंट था, तो वो यहाँ तीनों बार ऐड भी हुआ है, तीन बार सब्ट्रैक्ट भी हुआ है, एक बार कंसिडर नहीं हुआ, इसलिए एक बार हम इसको यहाँ ऐड कर रहे हैं। सेम चीज आप यहाँ सोच के देखिए इस क्वेश्चन में, तो आपको ईजी लगेगा कि दो ओ और दो एल एक साथ जब हैं तो हमने इनका बंडल बना दिया, और अब माइनस में हम क्या लिखेंगे, कितने रह गए हमारे पास, दो यू एक एच एक एन, चार हुए, और दो ये छह, सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल। फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये तो ये वाला रीजन है, ऐसा वाला रीजन निकालेंगे, ऐसा वाला रीजन निकालेंगे, ये कौन सा है, ये रीजन है दो एल और दो यू एक साथ हैं वो वाला रीजन है, ये क्या है दो ओ एक साथ हैं और दो यू एक साथ हैं वो वाला रीजन है। तो इसको माइनस करेंगे तो सबका नंबर तो सेम आएगा, तो थ्री टाइम्स कर देते हैं, प्लस करेंगे, प्लस क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो येलो वाला रीजन है उसमें दो ओ दो एल और दो यू एक साथ हैं, ये तीनों में प्रेजेंट था, तो आप ध्यान से देखो तो तीन बार ऐड हुआ, तीन बार सब्ट्रैक्ट हुआ, एक बार भी कंसिडर नहीं हुआ है, तो जब एक बार भी कंसिडर नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार कंसिडर करने के लिए दो ओ दो एल दो यू का बंडल बनाएंगे, बचा हुआ क्या रहेगा, एच और एन, तो कितने होगा भाई, पांच, फाइव फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन को आप क्विकली रिलेट करके देखिएगा इससे, अगर नहीं समझ में आए एक बार फिर से ट्राई करिएगा, डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है, और वेन डायग्राम का अप्रोच पीएनसी में आपको आगे भी कई जगह हेल्प करेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पे, वो है एग्जांपल ऑन सम एट अ टाइम। नोट कर लिया सबने, हैज एवरीवन नोटेड दिस, सो वी आर मूविंग टू एग्जांपल्स ऑन टेकन सम एट अ टाइम। तो अभी तक हम सारे ले रहे थे, इसलिए हम सेफर साइड थे, हालांकि अलग बात है कि हम क्वेश्चन जब होनोलुलु वाला कर रहे होंगे यार, ऐसा एकोमोडेशन वाला, हमें लग रहा था कि काफी टफ क्वेश्चन है, बट असली में तो अब आने वाला है जब हम सम लेंगे, सबको ना लेंगे कुछ को लेंगे। कंसिडर द वर्ड इंडिपेंडेंस, कंसिडर द वर्ड इंडिपेंडेंस, find the number of five letters
words from. Letters of this word. सिर्फ आपको पांच ही letters लेने हैं. जब इंडिपेंडेंस के लेटर्स कंसिडर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पांच ही लेटर्स लेने हैं. टाइम इज 2 मिनट. सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको पता है कि कौन से लेटर्स कितने बार आ रहे हैं, इसको लिखना है. और फिर हम केसेस कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें चार ई आ गए. तो आपके सबसे सिंपल ऑप्शन कौन सा है जिसमें आप चार के चार ई ले लें. इस तरीके से आपको कई सारे केसेस सोचने पड़ेंगे, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए. टाइम इज 2 मिनट्स. सबसे पहले डिसाइड यही करना है कि केसेस कितने आ रहे हैं. एनीवन? सिद्धार्थ गोयल का कहना है कि 7 केसेस आ रहे हैं. चलिए भी देखते हैं. केस 1. पहले इसको ब्रेक करते हैं तो इसमें कितने ई है भाई? चार ई है. ओके. और उसके बाद सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला कौन है? डी है क्या? 2 डी है. अच्छा एन है. 2 उसी ऑर्डर में मैं लिखता हूँ, है ना. एन 3 है. एन 3 है. 4 ई हो गए. 2 डी दिख रहा है मुझे. 2 डी. तो टोटल थे कितने मेरे भाई? 3, 3, 6, 3, 9, 12. 9 तो हो गए. अब बचा रह गया आई और कौन है? पी और कौन है? सी. ये तीनों एक एक बार आ रहे हैं. पहला केस मुझे दिखेगा वो ये है कि चार एक जैसे हो जाएं, फोर अलाइक. 5 लेटर्स लेने हैं, 4 अलाइक, 1 डिफरेंट. केस 2. 3 अलाइक, 2 अदर अलाइक. कुछ लोग कह रहे हैं 5 केसेस आ रहे हैं, कुछ के 6 केसेस आ रहे हैं. आई थिंक देयर विल बी 6 केसेस. केस 3. केस 3. 3 अलाइक, 2 डिफरेंट. अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिफरेंट को. केस 4. 2 अलाइक, 2 अदर अलाइक. ये केस देखिए ज्यादा लोग मिस कर देते हैं. यही वो केस में मिस होता है. केस 5. भाई पहले अलाइक की सारी पॉसिबिलिटीज पे फोकस करेंगे. 2 अलाइक, 3 डिफरेंट. ये क्वेश्चंस इसलिए बहुत पेचीदा है क्योंकि इसमें कोई केस मिस हो जाता है ना. ऑल डिफरेंट में भी हमेशा ये चेक करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है. इतने डिफरेंट लेटर्स हैं भी कि नहीं है. हैं 6 डिफरेंट लेटर्स हमारे पास. ऑल डिफरेंट हो सकता है. अब देखो यहाँ पे कह रहा है वर्ड्स कितने होंगे. तो पहले हमें वर्ड्स तक पहुँचने के लिए सिलेक्शन करना होगा. पीएनसी में पहले मैंने बताया था कि अरेंजमेंट का हर रास्ता सेलेक्शन से होकर जाता है. तो सेलेक्शंस कितने हैं? 4 अलाइक लेटर्स अगर सेलेक्ट करने हैं आपको तो एक ही ऑप्शन है ई. और एक डिफरेंट लेटर अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है भाई? आपके पास 5 ऑप्शंस हैं. एन डी आई पी सी. तो 5C1. अरेंजमेंट्स कितने होंगे भाई? 5C1 × 5 × 4 × 12. 3 अलाइक 2 अदर अलाइक में. 3 अलाइक में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. ई
या फिर एन, टू सी वन, ई या फिर एन, इनमें से कोई ले सकते हैं थ्री अलाइक के लिए. टू अदर अलाइक के लिए ई एन में से कोई एक ले लिया, उसमें से एक बचा हुआ है और एक डी है, इन टू टू सी वन फिर से आ जाएगा. और अब और कुछ नहीं करना है हमें, तो यहाँ पे फर्दर कोई स्कोप नहीं है. अरेंजमेंट देख लेते हैं, थ्री अलाइक टू अदर अलाइक हैगा तो फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, इतने तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा. फिर थ्री अलाइक टू डिफरेंट पे आते हैं, तो थ्री अलाइक वाले में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ई या फिर एन, और इन दोनों में से एक ले लिया तो बचे हुए कितने, पाँच, फाइव सी टू. सो टू सी वन इंटू फाइव सी टू इंटू फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल. टू अलाइक टू अदर अलाइक में आप सिंपली क्या करेंगे, थ्री सी टू करेंगे. थ्री सी टू क्यों, क्योंकि ई एन या डी इन तीन में से मुझे दो लेने हैं ना, और वन डिफरेंट के लिए इन तीनों में से दो ले लिए तो बच गया एक, और तीन जो है आईपीसी वाले हैं तीनों एक एक, तो फोर सी वन. तो थ्री सी टू इंटू फोर सी वन इंटू फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, क्योंकि टू अलाइक थ्री डिफरेंट पे आते हैं. टू अलाइक थ्री डिफरेंट, तो टू अलाइक में हमारे पास क्या ऑप्शन हैं, तीन ऑप्शन हैं, तीन में से कोई एक ले लिया, और थ्री डिफरेंट में हमारे पास पांच में से कोई तीन लेना है, फाइव सी थ्री. सो थ्री सी वन इंटू फाइव सी थ्री इंटू फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, और ऑल डिफरेंट में टोटल कितने हैं भाई, सिक्स हैं, सिक्सटी फाइव, और यहाँ क्या हो जाएगा, सिक्सटी फाइव इंटू फाइव फैक्टोरियल, इन सबको हम ऐड कर देंगे. इन सबको ऐड करके देखो आप टोटल नंबर क्या रहे. ओके, सो नंबर ऑफ केसेस को बहुत केयरफुली करना है, सी दिस कि टोटल इसमें से हमारे पास क्या आ रहा है निकल के. सेलेक्शंस नहीं, टोटल वर्ड्स, वर्ड्स कितने आ रहे हैं भाई, नंबर ऑफ सेलेक्शन आपसे जब पूछा जाएगा तो फिर आपका काम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है. यहाँ पे इस केस में हमें टोटल ये ऐड करना है निकाल के, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा कि टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं. इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये कर दिया है, मैंने सिंपली आपसे सेलेक्शन पूछा है. क्वेश्चन नंबर टू में मैं जो वर्ड कंसिडर कर रहा हूँ वो है एकोमोडेशन, लेकिन इस बार आई एम आस्किंग ओनली द नंबर ऑफ सिलेक्शंस. या फिर यूं कह लें करेक्शंस. फाइंड द नंबर ऑफ कलेक्शंस ऑफ सेवन लेटर्स फ्रॉम letters of the word accommodation. Case two का selection मैं एक बार बता दूं, case two में selection में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर टू आप लोग सॉल्व करिए, रहता है एक डाउट आया है केस टू. केस टू में थ्री अलाइक और टू अदर अलाइक है, तो थ्री अलाइक के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, दो ऑप्शंस थे, ई या फिर एन. टू अदर अलाइक के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, ई या एन में से कोई एक चूज हो गया, मान लो ई चूज कर लिया हमने, तो बचा हुआ क्या, एन और डी, इन दोनों में से मैं एक चूज करूंगा. अगर एन सेलेक्ट हो गया होता तो ई बचा होता,
सेवन केसेस, सेवन केसेस आ रहे हैं भी, चेक करते हैं। कुछ कह रहे हैं सिक्स केसेस आ रहे हैं, कुछ का कहना है सेवन केसेस आ रहे हैं एकोमोडेशन में। चलिए चेक करते हैं केस वन। अब मैं थोड़ा शॉर्ट करके